ये देखिए गाइज 4.2, तो इसका मतलब हमारी वोल्टेज बिल्कुल परफेक्टली बता रहा है हमारा मीटर। यहाँ पर वोल्टेज चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एम्पियर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ऊपर में यहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। हेलो मेरे भाइयों, तो आज हमने एक मल्टीमीटर बनाया जो ये रहा, और इस मल्टीमीटर से आप सारे फंक्शन कर सकते हो, जैसे वोल्टेज टेस्टिंग, वोल्टेज चेकिंग, एम्पियर चेकिंग, कंटिन्यूटी, तो सब कुछ इससे आप कर सकते हो, और लुकिंग इसकी बहुत बढ़िया है। तो आज इसे हम बनाना सीखेंगे, चलिए इसको बना लेते हैं, लेट्स गो। टोटल हिंदी टेक्निकल। तो भाइयों, सबसे पहले हमें इस प्रकार का एक पाइप ले लेना है, और इसको हम जिग्सा मशीन की मदद से इस प्रकार से बीच से काट लेंगे। और अब हम हॉट एयर गन की मदद से इसको गर्म करके एक प्लेट बना लेंगे, और इस प्लेट से ही हम यहाँ पर मल्टीमीटर की बॉडी बना लेंगे। तो भाई, ये प्लेट हमारी ये बन गई है, और अब चलिए इस पर निशान लगा लेते हैं, और फिर फटाफट से इसकी कटिंग करके हम यहाँ पर मल्टीमीटर की बॉडी बना लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेते हैं फटाफट से। तो अब चलिए इस जिग्सा मशीन की मदद से इसको हम यहाँ पर कटिंग कर देते हैं। और भाई, ये मल्टीमीटर का सामने वाला हिस्सा है, तो इसमें हमें ये सामान लगाने हैं, तो इनके लिए हमें यहाँ पर इसमें होल करना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने निशान पहले लगा लिए थे, तो चलिए इनमें होल कर देते हैं। तो इस प्रकार से मैं होल कर दूंगा यहाँ पर, ये देखिए। तो भाई, हमने सभी टुकड़ों को अच्छी तरीके से काट लिया, ये देखिए, इससे हमारी यहाँ पर मल्टीमीटर की बॉडी बनेगी, ठीक है। तो अब चलिए, इसमें जो सामान लगेगा वो यहाँ पर ये रहा, ठीक है। सभी सामान का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन से सारा सामान आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीमीटर का सामने वाला हिस्सा है, तो सबसे पहले इसमें मैं ये डिस्प्ले लगा दूँ, ये देखिए। तो इसे हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आसानी से लगा देंगे, देखिए। तो ये देखिए, बिल्कुल आसानी से डिस्प्ले लग गई है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर बाकी का जो सामान है वो भी हम लगा देते हैं। तो ये हमारे ये जो कनेक्टर है, ये आपको ये भी अमेजोन से आसानी से मिल जाएंगे। तो सभी जो भी सामान है वो आपको आसानी से मिल जाएगा ऑनलाइन, चाहे फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से, ठीक है। तो ये जो कनेक्टर है, ये इस प्रकार से हम यहाँ पर लगा देंगे, देखिए। तो भाइयों, देखिए, हमने यहाँ पर तीनों कनेक्टर को अच्छी तरीके से लगा दिया है, और यहाँ पर हम इसमें बजर लगाएंगे। बजर हमारा ये रहा, को प्रेस करना है, और ये देखिए, हमारा बजर भी यहाँ पर लग गया। और अब यहाँ पर एक एलईडी हम लगा देंगे, ठीक है। तो इस एलईडी को भी हम यहाँ पर इस प्रकार से लगा देंगे। तो गाइस, ये देखिए, हमने यहाँ पर सब कुछ लगा दिया है, और मल्टीमीटर हमारा सामने से ऐसा लगेगा, ठीक है। और अब चलिए यहाँ पर इसके कनेक्शन कर लेते हैं। हमारी जो ये डिस्प्ले, इसके यहाँ पर दो कनेक्टर है, तो इनको भी हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो भाइयों, इस कनेक्टर में तीन तार है, एक रेड है, एक ब्लैक है, और एक येलो, ठीक है। तो रेड और ब्लैक तो इसकी सप्लाई के हैं, और ये येलो जो है ये इसके फंक्शन का है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये जो हमारा ब्लैक तार है ना, तो इसे हम यहाँ पर न्यूट्रल के लिए लगा देते हैं, और न्यूट्रल इसका यहाँ पर बीच वाला है, ये देखिए, ठीक है। तो भाई, ये देखिए, हमने यहाँ पर कॉमन तार को लगा दिया है, और मीटर में पावर देने के लिए हम यहाँ पर 9 वोल्ट बैटरी का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके कनेक्टर का यहाँ पर हम ब्लैक वाला वायर, जो इसका भी कॉमन है, वो भी हम यहीं पर लगा देंगे। और भाइयों, अब हमारे पास यहाँ पर एक स्विच है, ये देखिए, तो इसमें तीन लैग है, ठीक है। तो ये बीच में बंद होता है, और साइड में दोनों तरफ ये चलता है, ठीक है। तो अभी चलिए इसमें कनेक्शन करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक खांचा बना रखा था पहले ही, ये देखिए, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसमें लगा देंगे, देखिए, बहुत ही आसानी से लग गया है, ये देखिए। और अब चलिए स्विच में यहाँ पर कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो स्विच को मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रख लूँगा। तो भाइयों, ये जो हमारा पावर सप्लाई का है ना, तो ये हम स्विच के बीच वाले पॉइंट पे लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डिस्प्ले का रेड वाला वायर है ना, तो इसको हम स्विच के किसी भी पॉइंट पर लगा सकते हैं तीन में से। तो मैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर लगा रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाले पर। आप ऊपर वाले पर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दोनों तरफ काम करता है ना स्विच, तो आप किधर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने नीचे वाले पॉइंट पर यहाँ पर लगा दिया, ये देखिए। और फ्रेंड, डिस्प्ले का ये जो पीले वाला तार है, तो इसी से वोल्टेज चेक की जाती है, ठीक है। ये वोल्टेज टेस्टर होता है, तो इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज के लिए हो जाएगा, और इधर वाला एम्पियर के लिए। चलिए मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे इधर से, ठीक है, यहाँ पर एम्पियर करेंगे, ओके। और बीच वाला हमारा यहाँ पर ये कॉमन है ही, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके कनेक्शन करेंगे। और अब चलिए यहाँ पर देखिए, हमने ये तीनों तार लगा दिए। अब ये जो हमारी एलईडी है, ठीक है, तो एलईडी का जो माइनस वाला लैग है, जहां पर हमारे सभी कॉमन है, तो वहां पर ही एलईडी का भी हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसको भी। तो भाई, ये देखिए, हमने यहां पर एलईडी का भी और सभी का यहां पर कॉमन एक साथ कर दिए हैं, ठीक है। अब बचा एलईडी का प्लस पॉइंट। तो एलईडी के प्लस पॉइंट को और बजर के प्लस पॉइंट को हम एक साथ जोड़ लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम यहां पर 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लगाएंगे, जिससे कि हमारी एलईडी खराब नहीं होगी। तो इसे हम लगा करके फिर मैं कनेक्शन इसके करूंगा, ठीक है। और इसमें हम यहां पर एक छोटा सा वायर जोड़ लेंगे। तो भाई, एक वायर हमने जोड़ लिया है, और इस वायर को ये
जो हमारा स्विच का एक पॉइंट बच रहा है ना, यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। तो भाइयों ये देखिए हमने तार लगा दिया है यहाँ पर, और अब हमारा बजर बचा। तो बजर का जो प्लस वाला वायर है वो तो सीधा हम यहाँ पर स्विच में लगा देंगे, जहाँ पर हमने एलईडी के साथ में लगाना है, ठीक है। और बजर का अब नेगेटिव वाला वायर बचा, तो इस नेगेटिव वाले वायर को हमें यहाँ पर ही लगाना जहाँ पर वोल्टेज का तार है। तो भाइयों देखिए हमने यहाँ पर बजर के कनेक्शन भी कर दिए हैं। कनेक्शन बहुत ईजी है इसके, मैं बाद में इसका डायग्राम भी आपको दिखा दूंगा। अब बस इसमें यहाँ पर एक कनेक्टर बचा है जो इसका एम्पियर कनेक्टर है, ठीक है। तो ये कनेक्टर हम यहाँ पर लगा देंगे और उसके बाद जो है इसके हम कनेक्शन यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो ये जो इसमें दो तार है ना, तो ये जो ब्लैक वाला ये तो कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो इसको तो हम यहाँ पर कॉमन पे लगा देंगे, और ये जो रेड वाली है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एम्पियर पे लगा दिया है। तो बहुत ईजी से कनेक्शन है, कोई भारी नहीं है। तो इस प्रकार से अब चलिए मैं यहाँ पर आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो ये हम यहाँ पर इसमें बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए ये मैंने लगा दिए बैटरी, और अब यहाँ पर हमारे कनेक्शन सही से चलने चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैं नीचे दबाऊँगा, तो अभी यहाँ पर डिस्प्ले देखे हमारी ऑन हो गई, इसका मतलब मल्टीमीटर के कनेक्शन हमारे बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दूसरी साइड में इसे दबाऊँगा तो हमारा यहाँ पर एलईडी जलनी चाहिए, ये देखिए। तो भाइयों देखिए एलईडी भी हमारी जल गई, इसका मतलब हमारे कनेक्शन सही है। तो पहले इसको पैक कर लेते हैं, फिर इसको चेक करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी दीवारों को यहाँ पर लगा लेते हैं, ओके। थोड़ा सा सावधानी से आपको यहाँ पर ये बंद करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पर इसको चिपकाते हैं। पहले हम एलपी यहाँ पर डाल लेते हैं, और अब चलिए इसको यहाँ पर अब सेम ऐसे ही हम इसके ऊपर रख देते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर भी हम एलपी डाल देते हैं। तो भाई ये बहुत ही आसान कनेक्शन है, मैं आपको पेपर पे भी बताऊंगा इसके कनेक्शन, आप ज़्यादा डिफिकल्ट मत समझना। हम यहाँ पर इसके पीछे वाले पार्ट को हम चिपका देते हैं, ठीक है। तो भाई ये देखिए इसका बैक कवर भी हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपका दिया है, और अब चलिए यहाँ पर ऊपर और नीचे का इसका चिपका देते हैं। और अब चलिए यहाँ पर हम नीचे वाले हिस्से को भी इसके अच्छी तरीके से चिपका देते हैं, ठीक है। तो इसे चिपकाने के लिए हम यहाँ पर पहले बैटरी को इसको इस प्रकार से यहाँ पर चिपकाएंगे, ताकि हमारी बैटरी इधर उधर ना हिले। हमारा जो है मल्टीमीटर चारों तरफ से हमने चिपका दिया है, इसको बाद में फिनिशिंग कर दूंगा मैं। अब टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ठीक है। और भाइयों इसकी मैंने प्रोब भी बना रखी थी, ये देखिए। तो ये आपको सभी मिल जाएगी ऑनलाइन, मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो ये देखिए ये प्रोब यहाँ पर हमारी न्यूट्रल में लग जाएगी, यानी कॉमन में, ये देखिए लग गई है। और इधर वाली जो रेड है, तो पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर तो ये देखिए लग गई है, तो ये इसका प्रोब वाली लीड हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ऑन कर देते हैं, यहाँ पर ये बंद रहेगा बीच में, तो मैं ऊपर कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने ऊपर किया, और यहाँ पर ये रेड बल्ब जल गया, इसका मतलब ये यहाँ पर कंटिन्यूटी दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे हम दोनों तार को शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर बीप बजेगी, ये देखिए। तो देखिए भाइयों जैसे मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर बीप आ रही है, देखिए। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो अब चलिए अब यहाँ पर अब इसकी वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये बंद है, अब नीचे दबा रहा हूँ मैं। तो ये देखिए जैसे मैंने नीचे दबाया, यहाँ पर डिस्प्ले आ गई है, इसका मतलब ये चालू हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर एक बैटरी है, ये देखिए, तो ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं प्लस पे प्लस लगा देता हूँ, और माइनस पे यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। तो ये देखिए भाइयों 4.3 वोल्ट ये दिखा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये फुल चार्ज है, ओके। और अब चलिए यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर सेल है मेरे पास, ये देखिए, ठीक है, इसको भी अब चेक कर लेते हैं। तो प्लस पे हम प्लस लगा देते हैं, माइनस पे माइनस, ठीक है, देखिए। तो ये देखिए 3.3 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, ओके भाइयों। तो इस प्रकार से आप किसी भी बैटरी का यहाँ पर वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो एक बैटरी हमारे पास और है, ये देखिए, ठीक है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये देखिए, एक तार आप इधर लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए, तो इसमें जितनी वोल्ट है वो बता देगा, ये देखिए। ये बहुत ही मतलब डाउन है, ये देखिए 0.9 वोल्ट है, यानी एक वोल्ट भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और अब चलिए यहाँ पर इसका एम्पियर भी चेक कर लेते हैं। तो एम्पियर चेक करने के लिए हमें यहाँ पर ये देखिए ये एम्पियर पर लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पर, ये देखिए वोल्टेज के लिए, यहाँ पर एम्पियर के लिए, ठीक है। तो ए पर मुझे लगाना पड़ेगा, जैसे मल्टीमीटर में होता है वैसे ही है बिल्कुल, ठीक है। और अब चलिए यहाँ पर इसके एम्पियर में आपको इसके चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखिए। तो इस पर मैं लगा रहा हूँ और इस पर लगा रहा हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए भाइयों इस बैटरी के अंदर थोड़े से एम्पियर बच रहा है, पॉइंट में ही है, मतलब बहुत कम एम्पियर है। और इसके अंदर भी आप चेक कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, आपको मैं दिखा दूंगा, ये देखिए, ये देखिए। तो इसके अंदर तो मिली एम्पियर भी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई बहुत ही कम एम्पियर होंगे इसलिए दिखा नहीं रहा है। और अब चलिए यहाँ पर हमारे पास बड़ी बैटरी है, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो गाइस इसमें देखिए 16 एम्पियर है, ये देखिए।
16.3 एम्पीयर आपको दिख रहा होगा ना, ये देखिए, ये देखिए गाइस। तो इस प्रकार से यानी ये फुल चार्ज है, ठीक है। और इसकी जो वोल्टेज है, वोल्टेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इसको लगा करके। ये देखिए, ये आपको अगर वोल्टेज चेक करनी तो वोल्टेज पे लगा दीजिए, एम्पियर चेक करने तो एम्पियर पे लगा दीजिए, ठीक है। तो अब चलिए वोल्टेज मैं दोबारा से फिर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए भाइयों, 4.2 वोल्टेज, यानी 3 दिखा रहा था ना, तो अभी हमने एम्पियर चेक किए ना, तो वहाँ पर एक वोल्टेज घट गया, ठीक है। तो अभी ये 4.2 वोल्टेज दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर अपने ओरिजिनल मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं, तो देखते हैं इसमें कितनी वोल्टेज है, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने 20 वोल्ट पे लगा दिया है, और अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये देखिए भाई, ये 4.2 वोल्ट यहाँ पर प्रॉपर दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए 4.2 वोल्टेज, ठीक है। और इसी प्रकार से हमने यहाँ पर हमारा जो बनाया हुआ मीटर है, तो उसमें भी यहाँ पर इतनी ही दिखा रहा है। ये देखिए, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए गाइस, 4.2। तो इसका मतलब हमारी वोल्टेज बिल्कुल परफेक्टली बता रहा है हमारा मीटर, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। ओके, यहाँ पर वोल्टेज चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एम्पियर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ऊपर में यहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, देखिए, ठीक है गाइस। तो भाइयों, ये डीसी का मल्टीमीटर है, एसी का नहीं है, ठीक है। एसी के लिए मैं अलग से मल्टीमीटर बनाऊंगा। और अब चलिए मैं इसका आपको डायग्राम बना करके दिखा दूं, ताकि अगर आपको कोई कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा, तो वो दोबारा से आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले मैंने इसमें जो भी पार्ट लगाया है, उसे वो सभी मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ इसमें क्या क्या पार्ट लगाया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने एक इसमें डिस्प्ले लगाई है, तो मैं सेम वैसे ही इसके कनेक्शन आपको बताऊंगा जैसे मैंने इसमें किए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की यहाँ पर डिस्प्ले लग गई है। उसके बाद हम यहाँ पर इसमें एक एलईडी हमने लगाई, और एक हमने यहाँ पर बजर लगाया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने 3 पिन लगाई, बीच वाली ये रही और साइड वाली 2 यहाँ पर रेड है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसकी यहाँ पर 3 पिन हमने लगाई, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक हमने स्विच लगाया इसमें ऑन ऑफ करने के लिए, तो हमने यहाँ पर उसमें 3 पिन दी है, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। इसको आप आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसमें हमने एक बैटरी लगाई, ये हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 9 वोल्ट। तो इस प्रकार से गाइस, हमने यहाँ पर इसमें सारा सामान लगा दिया। थोड़ा सा और नीचे से मैं आपको बता दूँ, हमने क्या किया, ये इसका प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो प्लस को जो है हमने सीधा यहाँ पर इस स्विच के बीच वाले पॉइंट पे दे दिया, ठीक है। प्लस पॉइंट को हमने यहाँ पर सीधा स्विच के बीच वाले पॉइंट पे दे दिया, ओके। और जो यहाँ पर इसका माइनस है, तो माइनस को हमने सीधा यहाँ पर ग्राउंड से जोड़ दिया, ठीक है। माइनस हमेशा ग्राउंड से ही जुड़ता है, और इस एलईडी का भी जो माइनस है, वो भी हमने सीधा ग्राउंड से जोड़ दिया, ओके भाइयों। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला वायर है ना, ये इसका कॉमन होता है, ठीक है। कॉमन बोले तो जो यहाँ पर ये कॉमन है ना सबका, तो ये एक ही जगह लग जाएगा। तो ये कॉमन हम यहाँ पर सभी का कॉमन एक ही जगह लगता है, ठीक है। तो ये भी डिस्प्ले का कॉमन भी हमने यहाँ पर लगा दिया, एलईडी का भी कॉमन लगा दिया। एलईडी में यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और ये इसका बजर है, ठीक है, बजर है। यहाँ पर ये 3 पिन है, यहाँ पर हम इसकी ए चेकिंग होगी, और यहाँ पर जो है वोल्टेज होगा, एम्पियर होगा, और यहाँ पर कॉमन होगा, ठीक है। और गाइज, अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर इसका रेड पॉइंट आपको दिख रहा है ना, रेड, तो इसको हम यहाँ से लेंगे कनेक्शन को, और इसको हम सीधा यहाँ पर इस पॉइंट से, ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पर स्विच है, इसके इस पॉइंट से हम कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो अब बचा इसका येलो पॉइंट, ये येलो पॉइंट, तो इसको मैं यहाँ से बाहर से ले लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर इस पिन से जोड़ दूंगा, ठीक है, ओके भाइयों। तो मैं बताऊँगा कैसे कैसे कनेक्शन है। तो ये इसका येलो वायर है, ठीक है, येलो वायर, ठीक है भाइयों। और ये इसका एक रेड है, ठीक है, और ये ब्लैक है, ओके। तो ये जो रेड और ब्लैक है, ये तो डिस्प्ले को ऑन करने के लिए, और येलो जो है, इसमें जो भी हम मापेंगे ना वोल्टेज, वो येलो के द्वारा ही हम मापेंगे, ठीक है। और अब चलिए इसमें यहाँ पर बजर के कनेक्शन बचे हैं, तो बजर में हम क्या करेंगे, बजर का जो प्लस वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर प्लस है बजर का, तो बजर का जो प्लस वाला पॉइंट है, और ये माइनस वाला है, तो चलिए यहाँ पर ये माइनस वाला है, ओके। तो जो प्लस वाला वायर है ना, ये सीधा हम यहाँ पर इस स्विच के साथ में जोड़ देंगे, और यहाँ से ही हम एलईडी के साथ भी प्लस वाला एलईडी का यहाँ पर जोड़ देंगे। लेकिन एलईडी में हम यहाँ पर एक 1K का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिससे कि हमारी एलईडी ख़राब ना हो, ठीक है। तो देखिए, इस पॉइंट से हमने यहाँ पर एलईडी को भी दे दिया 1K का रजिस्टर लगा कर, और यहाँ से सीधा बजर को भी दे दिया। अब बजर का एक वायर बचा, ठीक है, क्योंकि एक तो लग गया बजर का। अब जो ये वायर बचा है ना बजर का,
तो ये यहाँ पर हम इस वोल्टेज वाले पॉइंट पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी का काम करेगा। अब गाइस देखिए सारे कनेक्शन हमारे हो गए हैं, अब यहाँ पर बस ये एम्पियर का बचा। तो एम्पियर के लिए यहाँ पर दो पिन होती है डिस्प्ले के अंदर ही, दो तार आपको दिख रहे होंगे जब मैंने कनेक्शन किया। तो इसमें क्या करना है हमें, इसका भी सीधी सी बात है, ये जो कॉमन है ना, ये कॉमन इसका भी यहाँ पर ही कॉमन, तो सभी का एक ही जगह लगेगा, ठीक है। ये कॉमन देखिए सभी का एक जगह लगेगा, एलईडी का भी यही लगा है। अब ये बचा इसका ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर लगाएंगे, ओके। तो इसको आप अभी तो मैं ऐसे तेज़ तेज़ बना रहा हूँ, आपको थोड़ा साफ साफ बनाना है, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार से यहाँ पर ला करके कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए सारे कनेक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आसान इसके कनेक्शन है। जैसे मैंने कनेक्शन किए बिल्कुल वैसे ही मैंने डायग्राम को भी बनाया है, ठीक है। और ये मल्टीमीटर आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं और यहाँ से इसकी वोल्टेज और एम्पियर वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, आई होप ये मल्टीमीटर आपको पसंद आया होगा और इसे बना करके भी आप ज़रूर देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए ट्यूटोरियल के साथ।